अच्छा ठीक है सर, ठीक है, बोलता हूँ मैं। वो है जैसे मेरा जेलर और कैदी का डायलॉग है मेरा, वो मैं बोलता हूँ, ठीक है ना सर? ओके। तुम्हारा उन लोगों के साथ क्या संबंध है? मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम एक मुजरिम हो और अदालत ने तुम्हें यहाँ इन सलाखों के पीछे सजा काटने के लिए भेजा है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक प्रोफेशनल मुजरिम नहीं हो। अगर तुम चाहो तो इन सलाखों से मुक्त हो सकते हो। अगर तुम चाहो, चौंको मत, मैं तुम्हें भगाने के लिए नहीं आया हूँ। सिपाही बनोगे, लड़ोगे देश के लिए। खतरा तो तुम्हारी उस अपराध वाली जिंदगी में भी है, लेकिन वहां मरे तो क्या मिलेगा? एक मामूली कफन का टुकड़ा। और अगर देश के लिए लड़ते हुए मरोगे तो शानदार तिरंगे में लपेटे जाओगे। सोच लो, कौन सी जिंदगी जीना चाहते हो, इज्जत की या जिल्लत की? मेरा नाम लोकेश अग्रवाल, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मॉडलिंग और एक्टिंग करता हूँ। सीरियल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, प्रिंट शूट, TVCs 5 साल से कर रहा हूँ मैं, और मेरा इंटरेस्ट डबिंग में भी है। तत्र सर्वत्र देखकर सारे नक्षत्र, स्थितियां हैं विचित्र, गिर रहे हैं लोगों के चरित्र, हम टिप्पणी करेंगे संक्षिप्त। जब हम कम बोलते हैं तो लोग हमें भौंदू कहते हैं, हम ज्यादा बोलते हैं तो लोग हमें बदतमीज कहते हैं, हम सच बोलते हैं तो लोग हमें आदर्शवादी कहते हैं, और जब हम झूठ बोलते हैं तो कहते हैं फैक्ट वाला। इसीलिए कहता हूँ तोल मोल के बोल, मेरे चेहरे पे ना ता। मैं बहुत सारे सीरियल्स कर चुका हूँ, सोनी टीवी के लिए, वी चैनल के लिए, जी के लिए और NTV के लिए। अभी मैंने TVC किए हैं मैंने 3-4, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज किए हैं BSES के लिए, और उसके अलावा मैंने लीला वेब सीरीज की है। अब दूसरी वेब सीरीज कर रहा हूँ जो प्राइम अमेजोन के लिए है, और जल्द ही मैं एक आपको नए सीरियल में नजर आने वाला हूँ। और बस टेक यही वाली जी सर। यत्र तत्र सर्वत्र देखकर सारे नक्षत्र, स्थितियां हैं विचित्र, गिर रहे हैं लोगों के चरित्र, हम टिप्पणी करेंगे संक्षिप्त। जब हम कम बोलते हैं तो लोग हमें भौंदू कहते हैं, हम ज्यादा बोलते हैं तो लोग हमें बदतमीज कहते हैं, सच बोलते हैं तो आदर्शवादी कहते हैं, और झूठ बोलते हैं तो कहते हैं फैक्ट है साला। इसीलिए कहता हूँ तोल मोल के बोल, मेरे चेहरे पे ना ताक, आने वाले कल में झांक। वरना बाहर वाले तो बाद में कहेंगे, पहले घर वाले कहेंगे हमने बेटा नहीं नमूना पैदा किया है। ऊपर वाले की मर्जी थी, उसने स्ट्राइक कराए मेरे माइंड में कि मुझे ये सब करना चाहिए, क्योंकि एक आवाज, एक आपको ईश्वर जो देता है वो अलग ही होती है, सबकी आवाज में कुछ अलग इफेक्ट होता है। तो मुझे लगा शायद मैं शायद इससे कुछ कर पाऊं, आने वाले वक्त में देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अरे सर, इन तीनों लड़कियों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये लड़कियां कभी भी किसी डायरेक्टर के साथ ना तो लव करेंगी, ना उनके साथ भागेंगी, ना कभी शादी करेंगी। मैं इनको बरसों से जानता हूँ, इनकी सूरतें, इनकी शक्लें तो देखिए, शराफत इनके चेहरों से टपकती है। और सर, अगर मेरी बात में फर्क निकले ना, किस तरीके से लो हाई वॉल्यूम करना चाहिए, किस तरीके से हमारे को जो है शब्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसका उच्चारण कितना सही होना चाहिए, ये मेन है। उच्चारण में ही सबसे बड़ी गलतियां करते हैं हम। डिक्शन हमारा ठीक होना चाहिए, फ्लो हमारा अच्छा होना चाहिए, कहाँ हमें मंदा होना है, कहाँ हमें तेज होना है। अभी पकड़ लेना, कुछ भी कर लेना, बस यहाँ से छोड़ देना, मेरी इज्जत का ख्याल रख लेना। देखो, अरे सर, कट 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 कट, ये अरे सर, नीचे से ऊपर तक कहीं पकड़ लेना, कुछ भी कर लेना, बस यहाँ से। ये यहाँ पे थोड़ा सा ना फंबल आया था, माइक से टच हुआ था या तो। ओके सर, यहाँ से दोबारा लेंगे। अरे सर, नीचे से ऊपर तक कहीं पकड़ लेना। ठीक है सर, पुराना वाला क्यों दे रहा हूँ, उसी फ्लो में आ जाना। पीछे से पकड़ लेना, पीछे गली में रहता हूँ, भोला पंजाबी नाम है मेरा। मैं चाहूंगा सारी अपॉर्चुनिटीज मुझको मिले, ऐसा कोई एक चीज मैं नहीं सोचता कि एक ही जगह मैं करूं। अगर मैं कैपेबल हूं तो सभी कुछ कर पाऊंगा। TVC कमर्शियल भी कर सकता हूं मैं, डॉक्यूमेंट्रीज के लिए भी मैं कर सकता हूं, और अगर किसी आर्टिस्ट की आवाज मुझको देनी पड़े वो कर सकता हूं। कार्टून के अंदर अगर कार्टून के पीछे से मुझको आवाज देनी पड़े वो भी मैं करने के लिए तैयार हूं, मुझे खुशी होगी। सर, भोला पंजाबी नाम है मेरा, नीचे से ऊपर तक कहीं से भी पकड़ लेना, बस यहाँ से पकड़ना। गलत हो गया ना? हाँ सर। रुको रुको, पीछे से पकड़ लेना, पीछे गली में रहता हूँ, भोला पंजाबी नाम है मेरा। सर, भोला पंजाबी नाम है मेरा, पीछे गली में रहता हूँ, जब मर्जी पकड़ लेना मेरे को, बस। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, जब आप एक्टिंग में मुंह हिलाते हो पीछे वो तो चल जाता है, यहाँ पे नहीं चलेगा। सर, भोला पंजाबी नाम है मेरा, पीछे गली में रहता हूँ, जब मर्जी पकड़ लेना मेरे को। सर, भोला पंजाबी नाम है मेरा, जो मर्जी कर लेना मेरा, मेरे को पकड़ लेना, बस मेरी इज्जत का ख्याल रखना। सारी दुनिया मेरे को ऐसे नहीं जानती है भोला पंजाबी के नाम से। सर, पान खाएंगे,
सर किसी बड़ के आदमी ने कहा मिमिक्री मैं पहले किया करता था, काफी टाइम से करनी बंद कर दी है। बहुत पहले किया करता था कॉलेज टाइम में, उसके बाद छोड़ दी है मैंने मिमिक्री करनी। मिमिक्री जैसे किसी भी फिल्म एक्टर को पकड़ लेते थे उसकी मिमिक्री कर लेते थे। हाँ, जो जीरो का है ना वो प्रेम चोपड़ा की करते थे, प्राण की करते थे, प्राण की करते थे। फीडबैक दे रहे हैं प्राण के, छोटा सा दो लाइन का डायलॉग सुनाता हूँ मैं प्राण का। शराब अगर सहारा देती बरखुरदार तो इसको पीकर कदम लड़खड़ाते नहीं। एक्शन, कॉमेडी, गुस्सा या प्यार, आज तक 132। कट कट कट, माइक से बहुत दूर चले गए। अंदाजा लगा ली करो, अगर तो आपने नॉर्मल वॉइस में बोलना है तो माइक के पास ही रहो। Okay, अगर तो चिल्लाना है वैसा वाला डायलॉग है तो फिर दूर हो जाया करो बेशक। अब ये तो नॉर्मल ही है ना? जी जी, थोड़ा सा नॉर्मल है। हाँ। थोड़ा, लेकिन इसमें बाद में थोड़ा सा, बाद में गुस्सा आएगा, फिर थोड़ा सा एंगल ले लेना माइक से। ठीक है, चलिए। बहुत सारी चीजें चाहिए आपको कामयाब होने के लिए, एक चीज से काम नहीं बनता। नंबर एक आपका टैलेंट, टैलेंट के बाद कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार रेगुलर आप उसको करते रहो। कुछ लोग क्या करते हैं, 2-4 साल वो ट्राई करते हैं, उसके बाद अगर उनको सक्सेस नहीं मिलती वो छोड़ जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। अगर आप एग्जांपल दे लो, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, उसने 13 साल स्ट्रगल किया फिर उसको कामयाबी मिली। मिस्टर अमिताभ बच्चन को ले लो, उन्होंने 4 साल फिल्में की और सफल नहीं हुई, लेकिन एक फिल्म जंजीर उनको मिली, उन्होंने सुपरस्टार बना दिया। अगर वो भी इन 4 सालों में वापस चले जाते तो शायद हमको एक सुपरस्टार ना मिलता। तो यानी कि हमारे को टैलेंट तो चाहिए, वो तो फर्स्ट है टैलेंट, फिर कंसिस्टेंसी, और नंबर 3 देखिए लिंक भी चाहिए। लिंक के साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, जिनसे आप मिलते हो, चाहे वो उम्र में छोटे हैं चाहे वो उम्र में बड़े हैं, सबका जो है इज्जत सम्मान आपको करना आना चाहिए। बिहेवियर करने से लिंक जो है, बिहेवियर अच्छा हो तो लिंक जो है अच्छे सेटअप होते हैं। देखिए 5वां फैक्टर लक को मैं कहूंगा, लक तो है ही सबका, लक तो ऊपर वाले ने लिखा है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप कोशिश करते रहो तो ऊपर वाला भी एक दिन झुक जाता है। मैं कहता हूँ शायद अगर हमें इस जन्म में कुछ ना दे, शायद अगले जन्म में दे दे वो, तो कोशिश करते रहो। ऊपर वाला, अगर हमने अपने मन की नहीं की और हमें वो नहीं मिला, हम ऊपर गए मरने के बाद हमसे पूछेगा वो कि क्या तुमने कोशिश करी थी, तो हम निशब्द ना हो जाएं, उसके सामने स्पीचलेस ना हो जाएं, हम कहेंगे हमने करी थी, आपने अपने बंदे को नहीं दी सक्सेस, हमारा क्या कसूर है। तो ऊपर वाले को निशब्द करना है, ऊपर वाले को स्पीचलेस करना है। जब हम जाएंगे स्पीचलेस, ऊपर वाले को करेंगे, हम नहीं होंगे। बस एक पोलाइटनेस भी बहुत जरूरी है, आपको पोलाइटनेस हर जगह ये दिखाना है। आप किस बैकग्राउंड से आए, आप अमीर हैं गरीब हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, आपके अंदर पोलाइटनेस होनी ही चाहिए। बड़ों के लिए इज्जत और छोटों के लिए प्यार, और बराबरी वालों से दोस्ती। क्या सुनना चाहेंगे आप, एक्शन, कॉमेडी, गुस्सा या प्यार? आज तक 132 जगह पर ऑडिशन दे चुका हूँ, मगर कहीं से भी कोई पलटकर आवाज नहीं लगाता। पता नहीं मेरे थोबड़े में कमी है या फिर मेरे बोलने में कमी है। आप फिल्म वाले एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, आप लोगों को ये एहसास ही नहीं कि कितने लड़के और लड़कियों का, क्योंकि गरीबी की कड़वाहट जबान की नोक पर खड़ी रहती है जो मुझे चुप नहीं रहने देती। अपने तरीके से जी नहीं सका, अपने तरीके से हंस नहीं सका, अपने तरीके से मैं चिल्ला भी नहीं सकता, अपने तरीके से मैं रो भी नहीं सकता, उसके लिए भी आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी मुझको। मैं आपको बताता हूँ किस्सा क्या है। अमिताभ बच्चन जी की फिल्म जो जंजीर थी, मिस्टर प्रकाश मेहरा ने उसको बनाया था, तो वो उसके लिए बहुत वेल सेटल्ड एक्टर्स को ढूंढ रहे थे। वो जो है 3 के पास उन्होंने अप्रोच किया, देवानंद जी के पास। देवानंद जी ने कहा कि मैं नए डायरेक्टर के साथ काम नहीं करूंगा। धर्मेंद्र जी के पास गए, धर्मेंद्र जी ने कहा मेरे पास डेट्स नहीं है, तारीख नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगा, नहीं कर पाऊंगा। वो राजकुमार जी के पास गए, राजकुमार जी के तेवर तो सभी जानते हैं। राजकुमार साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे सिर में से बदबू आ रही है, तुम कौन सा तेल लगाते हो, मुझे इतने दिन तुम्हारे साथ शूटिंग करनी पड़ेगी, मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे इस तुम्हारे तेल की खुशबू पसंद नहीं। उन्होंने मना कर दिया, उनके अजीब और गरीब रीजन हुआ करते थे रिजेक्ट करने के, हालांकि वो मिलिट्री से बिलोंग करते थे, तो मिलिट्री वालों की तो बात ही अलग है। फिर प्रकाश मेहरा जी ने सोचा, जो आदमी मेरे यहां 2 महीने से चक्कर काट रहा है, काम मांग रहा है, मैं उसको क्यों ना दूं, मैं उसी को हीरो बनाऊंगा। उन्होंने उसको काम दिया मिस्टर अमिताभ बच्चन जी को, और वो देखिए उन्होंने क्या काम करके दिखाया। और मजे की बात, एक शॉट ऐसा था वहां पे अगर आपको याद हो, जिसमें मिस्टर प्राण जेल में आते हैं, वो बैठने की कोशिश करते हैं और मिस्टर अमिताभ बच्चन पैर से कुर्सी को दूर भगा देते हैं, और वो क्या डायलॉग मारते हैं, वो कहते हैं जब तक बैठने को ना कहा जाए खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।
ये सीन देने के बाद प्राण साहब ने श्री प्रकाश मेहरा जी से ये कहा कि दीवार पे लिख लो ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। इस शॉट को देने के बाद लंबी रेस का घोड़ा, और वो बात सिद्ध हो गई। मतलब वो पारखी थे प्राण जी और अमिताभ बच्चन जी ने वो दिखाया करके। तो किस्मत कब करवट बदल दे, कब आपको ऊंचाइयों पे ले जाए, कब किक लग जाए, कौन सा काम आपका क्लिक कर जाए, ये कोई नहीं जानता। ना आप जानते, ना आपके घर वाले जानते, ना आपके दोस्त जानते, ना आपके रिश्तेदार जानते। जय श्री कृष्ण।